मैं आज जा रही हूँ अक्षरा मैम से मिलने। अरे हमारे कौन काम का गुलाम जी आ चुका है बुके। यो अच्छा व्लॉग चल रहा है। हे गाइस वेलकम टू माय व्लॉग चैनल एक बार फिर से। सो गाइस आज है बहुत स्पेशल डे, फिर से एक है स्पेशल डे। आज मैं जा रही हूँ गेस्ट वॉट में किससे मिलने जा रही हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ अक्षरा मैम से मिलने। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे उनकी उनका फेस उनका एक्ट इनफैक्ट वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे मैं उनको बहुत पहले से ही पसंद करती हूँ। फाइनली आज मुझे मौका मिला है उनसे मिलने का तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये है मेरा आउटफिट और मैं अभी निकल रही हूँ मिलने के लिए। यहाँ से दूर है क्योंकि यहाँ से लगभग 40 मिनट लगेगा मुझे जाने में वहां पे। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं एंड दिस इज माय आउटफिट। ओके गाइस तो हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग रास्ते में हैं और लोकेशन बहुत ही ज्यादा लोकेशन मतलब हमें जहाँ जाना है वो बहुत ही ज्यादा दूर है, पता नहीं कौन सा रास्ता है। यू टर्न लिए फिर कहीं और चले गए थे, कहीं और से आ रहे हैं। स्कॉर्पियो क्लब कहाँ जाना है? स्कॉर्पियो क्लब वहां जाना है, बहुत दूर है जा रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ उधर जाके बोलना क्या है कि हाथ पैर ना मेरे ठंडे पड़ जाए क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना मेरा। तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ लेके जाऊँ उनके लिए, बट मैं सोच रहा हूँ उनके लिए तुम काला जाम ले लो। क्या वो ले लो? छुआरा क्यों? अच्छा वो ले लो, मैं तो कह रहा हूँ क्या बोल रहे चॉकलेट भूखी है तो सोने सोच रही है। देखते हैं कुछ तो लूंगी, चॉकलेट लूंगी तो भूखे ले लूंगी। अमीर हिंदुस्तानी बोलो जरा। अरे हमारे घर आई थी एक गुलाब का टुकड़ा ले आई, दे दी हमको। अरे गुलाब से क्या होता है? अरे लाती 2 किलो संतरे ले आती, अरे आम का सीजन है 10 किलो आम ले आती। हाँ भाई बताओ एक गुलाब, अरे हमारे कौन काम का गुलाब? अब हमारे गुलाब जल की शीशी रखी है, शाइस्ता लगा ही देती है, अब गुलाब क्या करे? तो उनसे ज्यादा कर रहा बोलो कदम साजी आ रहे हम। मैं अब सोने की आंखें खुल चुकी हैं, अब मेरी आंखें खुल चुकी है, मेरी आंखें खोल दिए हैं इन्होंने। और हम यहाँ से 28 मिनट में पहुँच जाएंगे, 12 किलोमीटर बाकी है। 28 मिनट में पहुँच जाएंगे गाइस। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me. मेरा गला खराब हो गया, लगा है जल्दी सो के उठ गए ना इसलिए। जल्दी सो के उठ गए, लेट सो ही हो। हाँ लेट सो ही हो, जल्दी उठ गई हूँ इसीलिए। बुके तो मिल नहीं रहा है, सिर्फ फ्रूट्स फ्रूट्स मिल रहा है, फ्रूट्स में वो मिल रही है मतलब आम, आम का सीजन है, मैंगो बहुत ज्यादा मिल रहा है। कहाँ मिला? मिला तो चलो बुके की शॉप मिल चुकी है। और ये कौन सा बुके है? यहाँ तो बुके मिल ही नहीं रहे। आई थिंक वो बना के देगा बुके, तो लेते हैं बुके। अरे क्या खिड़की बोल रही हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा ऐसा लगे। भैया बुके बना के दोगे? हाँ एक ही चाहिए ये मुझे, बुके बना के देने वाले हैं। हर जगह रेडीमेड मिलता है मगर ये मुझे बनाइए, फ्रेश फूल देना भैया। जी आ चुका है बुके, मस्त लग रहा है, ऐसे करके दिखाओ नीचे करके। हाँ अच्छा लग रहा है, उतना बुरा नहीं है मगर बहुत कम फूल डाला उसने, मूड खराब कर दिया। लाओ दे दस। तो ये रहा बुके गाइस, ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है, सही लग रहा है। देखो मैं अच्छा लग रहा ना। चलो लेट्स गो निकलते हैं। कार पार्क करना है, अंदर जाना है? जी सर अंदर जाना है। गाड़ी उधर लगा चुके, कार हम लोग यहाँ पे पार्क कर चुके हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं अंदर मिलने के लिए फाइनली। तो चलो चलते हैं अभी। क्या ही लोकेशन है, स्विमिंग पूल भी यहाँ पे बहुत ही औसम है। यहाँ पे बहुत टाइम पहले आया था। अभी 203 का है लाइन से रूम से। हाँ आगे दो लाइन से रूम से। स्मार्ट लग रहे हो ना आज। मैम कहाँ जा रही है? 203 में। बहुत खुश हूँ मैं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा। सो गाइज मैंने बोला था मैम से मिलने जा रही हूँ और मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ। और मैम हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
हाँ मेरे घर में मेरी भाभी आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। आपकी भाभी को यहाँ से प्रणाम मेरा और ढेर सारा प्यार। आपको पता है कहाँ से हूँ? कहाँ से? बिहार से हूँ मैं। कहाँ? दरभंगा जिला। केहन छिए ता? हम ठीक छिए। हाँ केहन छिए? बढ़िया छिए। हाँ मिथिलांचल से हूँ मैं। अरे तो कमाल की बात है। वही तो मिथिला मतलब मिथिला है भाई। बहुत करते हैं सूट में इसको मतलब के सूट की कंडीशन बस ये कभी भी बाहर You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back in your dreams. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. क्योंकि उनको हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं मनाजिर फोटो शूट कर रहे हैं अपने कैमरे से। और देखो देखो फोटो शूट कर रहे, दिखाओ। एक और एक और वन वन मोर। हाँ टू थ्री गो। ब्लॉग चल रहा है। अच्छा ब्लॉग चल रहा है। आई ना लड़की जल्दी आएगा मैम, प्लीज घर पे आइए। पक्का घर आऊंगी, फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे और ज्यादा। हाँ फिर आपको वो मंदिर भी ले चलेंगे। मंदिर चलेंगे, वो पास में ही कर देंगे। पक्का। बाय बाय बाय, लवली मीटिंग यू। बाय बाय बाय, अच्छा काम करो। शुक्रिया। तो गाइस इनका काम हो चुका है। बहुत ही अच्छी मीटिंग रही हमारी, बहुत अच्छा शूट रहा। एंड मैम से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतनी अच्छी है ना, मतलब फ्रेंडली, इतनी लग रही थी कि फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। थोड़ा मुझे थोड़ा एटीट्यूड होगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता, सब बहुत बढ़िया था। चलो घर चलते हैं। हाँ चल मनाज का फोटो शूट। लोकेशन बहुत अच्छी है, हम लोग यहाँ पे आएंगे अपनी एल्बम शूट करने। मैं आ चुकी हूँ अक्षरा मैम से मिलके। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत ही फ्रेंडली थी और बहुत ही स्वीट थी वो। एंड क्या ही बोलूँ उनके बारे में, वो तो बहुत ही अच्छी है सच में। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ एंड आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं आते ही मैं अभी नहीं आई, मैं बहुत पहले आ गई घर पे, मुझे हो गया 2 hours होके आके। तो मैं 2 hours पहले आई और फिर मैं सो गई, क्योंकि पता नहीं आने के बाद मुझे क्या हो गया, मेरे को बहुत सारा हेडेक हो गया। सर में इतना दर्द हो रहा था कि कुछ काम ही मतलब करने को मन ही नहीं कर रहा था। आके मैं डायरेक्ट सो गई, कुछ खाई भी नहीं। और अब मैं उठी हूँ, अभी बज रहा है 7 और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मनाजिर को भी हेडेक हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि चाय पीने का मन कर रहा है, शायद चाय से ठीक हो जाए, तो उन्होंने चाय बनाने बोला है। तो मैं चाय बना रही हूँ और उसके साथ बना रही हूँ मैं क्या बोलते हैं, सूजी का वो चीला, सूजी का चीला बना रही हूँ साथ में। थोड़ा सा नाश्ता टेस्टी मीठा चाय नमकीन हो जाए, तो मैं चाय तो ये बन रही है मेरी चाय। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दी आप ब्लॉग कंटिन्यू करो, आपके ब्लॉग अच्छे होते हैं, आप अच्छा ब्लॉग करते हो। तो मुझे भी थोड़ा जज्बा है कि हाँ कि मुझे ब्लॉग कंटिन्यू करना चाहिए, तो ही शायद मेरा ब्लॉग चलेगा, एक्टिव रहूंगी तो भी चलेगा। तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग कर रही हूँ गाइस, मैं हर 2-3 दिन में 4 दिन में ब्लॉग पोस्ट करूंगी। तो प्लीज आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए एंड ज्यादा शेयर कीजिए, और क्या ही बोलूँ, बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोग के प्यार से मेरा ब्लॉग थोड़ा आगे जाएगा, तो क्या ही बोल सकती हूँ, मैं डेली ब्लॉग करूंगी। और ये वाला ब्लॉग मेरा आएगा 2 दिन बाद। अभी मेरा इस वीक में मैंने 2 ब्लॉग डाल लिए, मैं तीसरा ब्लॉग आने वाला है, उसके बाद भी ब्लॉग। एंड गाइस कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप मनाजिर के साथ प्रैंक करो, तो आप लोग मुझे आइडिया दे रहे हो कि प्रैंक करो, तो प्लीज थोड़ा आइडिया भी दो कि कैसे प्रैंक करना है, कैसा प्रैंक, क्योंकि वो तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ ऑब्वियसली, तो समझ में नहीं आता एक घर में रह के मैं कैसा प्रैंक करूँ, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा शरारती दिमाग के हैं,
तुरंत आती नहीं किसी की बातों में, तो मुझे समझ नहीं आता कैसा प्रैंक करो। थोड़ा हिंट दे दिया करो मुझे लिख कर कि दीदी इस टाइप का प्रैंक करो, तो थोड़ा मैं सोचूं। जब मेरी चाय बने तो मैं सोचा कुछ बातें ही कर लूं, तो हो गई मेरी बातें। तो ये पकड़ा है मेरा चीला और उसे सब चाय। बहुत बढ़िया है, कल बनाया था तो सुबह बनाया था, सुबह बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसमें फैट तो नहीं होते? नहीं। फिर तो मुझे डेली ये दिया, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है चलो, तो मैं अभी जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, तो मैं ब्लॉग में यही ऐड कर लेती हूँ। पहले खा के टेस्ट कर लेती हूँ कैसा है। जब भूख लगी हो और इतना टेस्टी नाश्ता मिल जाए, मजा ही आता है। अभी खुद के बनाए हुआ तो और मजा आता है।